दोस्तों यहां पर आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन का पेज यहां पर आ चुका है और लोन जो है अमाउंट आप लोग देख सकते हो 62,000 का यहां पर लोन का अमाउंट यहां पर मिला है। और ये जो लोन है ये मैंने सुबीर ठाकुर जी को दिया है और ये जो भी है एमपी से बिलोंग करते हैं, इनको जो है बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी नीड था जिसकी वजह से जो है मैंने अप्रूवल किया है, मेल के थ्रू जो है कॉन्टेक्ट किया था, उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड के थ्रू ही यहाँ पर लोन मिला था। अगर मानो आप लोगों को लोन की जरूरत है, अगर आप लोग लोन नहीं ले पा रहे हो तो आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है लोन प्रोवाइड करवा दूंगा, जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा जितना अच्छा हो सके आप लोगों को ऑफर मिले। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को यहाँ पर 62,000 का जो है यहाँ पर लोन अप्रूवल देखने को मिल रहा है और ये सिर्फ जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पर ही लोन मिल रहा है। यहाँ पर अगर मानो आपका मिनिमम जो है अगर कोई भी सिविल है, मिनिमम सिविल ठीक है अगर है, तो यहाँ पर आप लोगों को लोन यहाँ से मिल जाएगा, जैसे कि आप लोगों को लाइव देखने को मिल रहा है। कितना अमाउंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप लोग देखो, 62,000 का यहाँ पर लोन अमाउंट अप्रूवल हुआ है, मतलब यहाँ पर अप्रूवल हुआ है। इंटरेस्ट 13.5% का लगा है और लोन का टाइम जो आप लोग देख सकते हो 12 मंथ्स के लिए मिला है और फीस और चार्जेस जो है 550 जो है यहाँ पर लिया है और डिसबर्समेंट होकर उनको मिला है 59,800 रुपीज। तो ये जो भी लोन है ये कितना आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकता है, आप यहाँ पर इनको मिला है 62,000, आप लोगों को इससे ज्यादा भी मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है। अगर आप लोगों को लोन लेना है तो आप लोगों को सही तरीके से सही मायने से आप लोगों को वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आप लोगों को जो है लोन मिलेगा, नहीं तो आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग खुद से अगर नाम ढूंढ के अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने चले जाओगे तो आप लोगों को लोन जो है रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद आप लोग अप्लाई करिएगा, डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को लोन जरूर जरूर मिलेगा। दोस्तों सुबीर ठाकुर जी एमपी से, उनका आज जो है लोन अप्रूवल करवा दिए हैं, 62,000 का जो है यहाँ पर लोन अप्रूवल होकर जो है उनको मिल गया है, इनको जो है डिसबर्समेंट हो चुका है। तो ये लोन एप्लीकेशन कौन सा है आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 62,000 का जो है यहाँ पर लोन का जो है डिसबर्समेंट हुआ है, किस तरीके से लोन मिला था, कौन सा ये लोन एप्लीकेशन है, वो सारा कुछ आप लोगों को डिटेल वाइज बताऊंगा। यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ जो भी लोन मिला था ये सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दो ही चीज़ यहाँ पर लगा था और कोई भी तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा नहीं था। जो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरा स्टेप्स फर्स्ट से लेकर डिसबर्समेंट तक आप लोगों को पूरा प्रोसेस भी दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से आप लोगों को जो है इससे लोन लेना है, सब कुछ जो है डिटेल वाइज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग जैसे देख पा रहे हो 62,000 का लोन यहाँ पर अप्रूवल है और कॉन्ग्रेचुलेशन का जो पेज है आप लोगों को देखने को मिल रहा है, पेंडिंग रिपेमेंट ऐसा जो है यहाँ पर दिख रहा है। लोन का अमाउंट आप देख सकते हो 62,000 और इंटरेस्ट रेट 13.5% जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लग रहा है। लोन का टाइम 12 महीने के लिए है, ठीक है। फीस चार्जेस जो है 550 रुपये ऐसा कुछ लगा है। डिसबर्समेंट जो हुआ है वो आप लोग देख सकते हो 59,800 डिसबर्समेंट हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है लाइव दिखाने वाला हूँ ये लोन एप्लीकेशन कौन सा है, किस तरीके से आप लोगों को भी लोन मिलने वाला है, अगर आपका सिविल लो है तो भी यहाँ से लोन आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। सब कुछ आप लोगों को डिटेल वाइज दिखाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पर लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ ये जो भी लोन एप्लीकेशन है इसका क्या रेटिंग्स है, क्या इसका डिटेल्स है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर कि प्ले स्टोर पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग इसका रेटिंग्स देख सकते हो, 4.3 का रेटिंग्स है जो कि अच्छा माना जाता है। 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स यहाँ पर हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि 1 मिलियन डाउनलोड्स अगर हुआ है कितने लोगों को यहाँ पर लोन मिला होगा। तो आप लोग अगर ट्राई करोगे तो आप लोगों को ज़रूर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था और मुझे मिला है लोन, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिलेगा। प्रोसेस अगर आप लोग फॉलो करोगे डेफिनेटली आप लोगों को लोन मिलने वाला है। किस तरीके से लोन मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बता ही दूंगा, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना होगा तभी आप लोगों को सही तरीके से समझ में आएगा। तो अगर मानो इसका डिटेल्स में अगर चलता हूँ, इसका डिटेल्स में थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है। तो डिटेल्स में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ जो भी है इंटरेस्ट वगैरह लगा है क्या सब कुछ जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो है आप देख सकते हो एज लिमिट जो है 21 से 55 ईयर्स का जो है लिखा है। मिनिमम सैलरी जो है 15,000 का मिनिमम सैलरी लग सकता है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी का जो है यहाँ पर अगर मानो बिजनेस अगर कर रहे हो तो ITR फाइल वगैरह सब लग सकता है। और सिविल जो है मिनिमम आपका सिविल होना चाहिए तो आप लोगों को यहाँ से लोन मिल जाएगा। अब ये जो भी एप्लीकेशन है अगर आपने फ़ोन पर आप इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहला जो इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके का, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप लोगों को पूछा जा रहा है कि आपका जो भी लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी जो आप प्रेफर करते हो आप चूज़ करना, उसके बाद आप कंटिन्यू में क्लिक करना, ठीक है। कंटिन्यू में जैसे ही क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर, जहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ये मोबाइल नंबर कौन सा मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जो आधार कार्ड से लिंक है, ठीक है। आधार कार्ड से जो लिंक है वही वाला मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो अगर मानो ये मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालते हो तो जैसे ही आप डालोगे तो आप लोगों के पास एक OTP आएगा, तो उस OTP को आप लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आप लोग जो भी OTP आएगा उस OTP को आप इसमें डाल दीजिएगा और फिर आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करते ही आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा एक सिक्योरिटी पिन जो है आप लोगों को सेट करने के लिए बोला जा रहा है। अब ये सिक्योरिटी पिन जो है ये आप लोगों को किस तरीके से सेट करना पड़ेगा,
आप लोग अपने हिसाब से एक 4 डिजिट का जो है नंबर आप चूज कर लीजिएगा, जो कि आप लोगों को इन फ्यूचर काम में आएगा कि जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आप लोगों को ये पिन देकर ओपन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो भी पिन है आप लोग एक एक करके यहाँ पर डाल दीजिएगा। जो पिन आप ऊपर में डाल रहे हो वही वाला पिन आप नीचे डालिएगा। फिर जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर सेव में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सेव में क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कुछ परमिशंस मांग रहे हैं। अब यहाँ पर परमिशंस आप लोगों को देना होगा। परमिशंस में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर SMS लोकेशन का परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है और भी परमिशंस जो है मांगेगा। आप लोगों को बस अलाउ करते जाना है। यहाँ पर जो भी चेकबॉक्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो चेकबॉक्स आपको टिक करना होगा। टिक करके आपको कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू जैसे करोगे नेक्स्ट पेज में आप लोगों को जो है वही जो है मैंने आप लोगों को बताया जितना भी आप लोगों के पास जो है परमिशंस वगैरह मांग रहे तो सब कुछ आपको अलाउ करता होना है। ठीक है, यहाँ पर वाइल यूजिंग द ऐप इसको आप अलाउ कर दीजिएगा। ऐसे अलाउ अलाउ करते जाओगे तो आप लोगों को जितना भी परमिशंस पूछा जाएगा आप लोगों से मांगेगा सब कुछ आप अलाउ करते जाइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे आप करोगे तो यहाँ पर आप लोग डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर कोई भी पेज देखने को नहीं मिल रहा है, पूरा ब्लैंक है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर कोई इमेज है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अप्लाई नाउ का बटन है। तो यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ पे जो भी बटन है उसमें क्लिक करना होगा। जो भी अप्लाई नाउ का बटन है उसमें क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहला जो आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन इन्फो हो गया है। अब बेसिक डिटेल्स आप लोगों से पूछा जा रहा है जहाँ पर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो है आप लोगों को डालना पड़ेगा। ठीक है, आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखा है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब आपका जेंडर डालिएगा, फीमेल मेल ट्रांसजेंडर जो भी है आप डालिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर करंट रेसिडेंस आप जहाँ पर रह रहे हो उसका पिन कोड क्या है वो डालिएगा। उसके बाद पैन कार्ड जो है वो आपका पैन कार्ड क्या है आपका पैन कार्ड का नंबर डालिएगा। यहाँ पर जैसे ही हो जाएगा यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हो जो जो है चेकबॉक्स आ रहा है उसको टिक करिएगा। टिक करके आप लोग यहाँ पर प्रोसीड में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्रोसीड में क्लिक करते ही आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा कि इस तरीके से जो है मैंने कंप्लीट कर दिया। जैसे ही यहाँ पर कंप्लीट करोगे कुछ इस तरीके का जो है आप लोगों के पास डिटेल्स आ जाएगा कि कैसा क्या है क्या नहीं है। तो नेक्स्ट जैसे करोगे तो आप लोगों को प्रोसीड में जैसे आप प्रोसीड क्लिक करोगे तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि आपका जो भी डिटेल्स था वो आपके सामने आ चुका है। आप लोग चेक कर लीजिएगा कोई गलत है या फिर आप लोग सही डाले हो। अगर गलत किए हो तो आप लोग यहाँ पर एडिट डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हो। अगर सही है तो आप लोग येस प्रोसीड में आप क्लिक करके नेक्स्ट पेज में जा सकते हो। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पेज में जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है चेक करने के लिए यहाँ पर मतलब पूछा जा रहा है बोलेगा बोलो। तो आप लोगों को सबसे पहले मैरिटल स्टेटस जो है पूछा जा रहा है, आप शादीशुदा हो डिवोर्सी हो या फिर सिंगल हो जो भी हो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब करंट रेसिडेंस टाइप आप जहाँ पर रह रहे हो वो आपका घर जो है आपका खुद का है, पेरेंट के साथ रह रहे हो, रेंटेड है तो आप लोग हमेशा यहाँ पर पेरेंट के साथ या फिर आप लोग ओन जो है वो आपको चूज़ करना होगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी चूज़ करना होगा, कोई भी ईमेल आईडी आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है आपसे कि भाई आपका लोन का पर्पस क्या है, आप किस लिए लोन ले रहे हो। तो मेडिकल इमरजेंसी जो है आप लोगों को इसमें सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे सिलेक्ट आप कर देंगे यहाँ पर आप लोगों को प्रोसीड क्लिक करना होगा। प्रोसीड क्लिक करते ही आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अब आपका डिटेल्स पूछा जा रहा है कि आप जो है जो जहाँ पर काम कर रहे हो वो किस तरीके का काम है, क्या आप सैलरीड बेसिस में काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर अदर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मानो आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड क्लिक करते हो, ठीक है, मतलब सैलरीड अगर क्लिक करते हो तो आप लोगों को सैलरीड में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा नेट मंथली इनकम, कंपनी का नाम जो है यहाँ पर पूछा जाएगा। अगर मानो आप सेल्फ एम्प्लॉयड क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आ रहा है क्या प्लीज़ चेक द प्रोसेस फेस्ड ऑन द लिंक ऑन द पैन कार्ड, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप प्रोसीड कर दोगे तो जो भी पैन कार्ड आप डाले हो उसी के बेसिस पर आप लोगों का बिजनेस जो है यहाँ पर फेच करेगा। ठीक है, अब मानो आदर्श आप सिलेक्ट करते हो तो आदर्श में आप लोगों को देखने को मिलेगा होममेकर, आदर्श स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को गलती से भी ये जो है चूज़ नहीं करना है। अगर आप चूज़ करोगे तो आप लोगों को मुसीबत जो है हो सकता है। यहाँ पर मुसीबत क्या होगा, लोन नहीं मिलेगा, रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बेफालतू में रिजेक्शन तो करवाना नहीं है, आप लोगों को लोन लेना है। तो हमेशा आप लोग समझ लीजिएगा सैलरीड पे जो है 90% चांस जो है ज़्यादा बढ़ जाता है आप लोगों को लोन जो है रिजेक्शन मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आप लोग अगर नेक्स्ट करते हो यहाँ पर प्रोसीड करते हो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मंथली सैलरी कितना लिखा है, 30,000 आपको लिखना होगा, 30,000 ही लिखना होगा या फिर 35,000 लिख सकते हो। अब कंपनी का नाम इस तरीके से मैंने कुछ भी डाला हुआ है, जो जिस भी भाई का मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था उनको जो है वो कोई काम वगैरह नहीं करता था, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड था, तो मैंने कंपनी का नाम ऐसे डाल दिया फिर भी उनको लोन मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप प्रोसीड में क्लिक करोगे, प्रोसीड में क्लिक करते आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा है जो भी है सब कुछ डिटेल्स आपके सामने आ गया है जो भी आप लोगों ने फिलअप किया था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को प्रोसीड क्लिक करना होगा, सब कुछ चेक कर लीजिएगा, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग एडिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जैसे आप देखोगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर जो है आप लोगों का जो भी है प्रोसेसिंग में चला गया है। आप लोगों को यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट डाला था वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर लोन मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ ऐसा कि आप लोगों को कितना लोन मिल रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 62,000 का जो है यहाँ पर लोन का अमाउंट मिला है। 2 दिन का टाइम लगेगा यहाँ पर प्रोसेसिंग का, कितना EMI बन रहा है वो आप लोग यहाँ पर सामने देख सकते हो। तो आप लोगों को कितना चाहिए आप लोग यहाँ पर इसके हिसाब से आप लोग चूज़ कर लीजिएगा। जितना भी मिलता है आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, आप लोग कमा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, ये जो भी आप लोगों को रोटेटरी व्हील दिख रहा है ना इसको आप कमा, तो यहाँ पर जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करते आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है आपका बैंक का डिटेल्स पूछा जा रहा है।
जहाँ पर आप लोगों का सबसे पहले बैंक का नाम पूछा जाएगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो भी है OTP बेस्ड से आप उसको वेरीफाई करवाओगे नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप लोग अपलोड स्टेटमेंट्स के थ्रू करना चाहते हो, तो आप लोगों को मैं बोलूँगा कि आप लोगों का बैंक में जो भी मोबाइल नंबर डाला हुआ है उसी के थ्रू आप लोग OTP को वेरीफाई करिएगा। जो भी वेरीफाई करेंगे, जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करोगे तो वो नंबर से आप लोगों को जो भी है OTP आएगा, ठीक है। OTP से आप लोगों का बैंक वगैरह वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख पा रहे हो कि बैंक जो भी आप लोगों का है वो कौन सा बैंक है, बैंक का नाम देना पड़ेगा, अकाउंट का नाम देना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा, IFSC कोड देना पड़ेगा, सब कुछ सही तरीके से डालिएगा क्योंकि इसी अकाउंट पर आप लोगों को पैसा मिलने वाला है, ठीक है। जैसे ही सब कुछ हो जाएगा तो आप लोग प्रोसीड में क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड में जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है वेलकम सुबीर ठाकुर, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है कि आप लोगों को एक सेल्फी देना होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो टेक योर सेल्फी। तो आप लोग यहाँ पर सेल्फी में जो है क्लिक जैसे करोगे तो आप लोगों को सामने जो है कैमरा ऑन हो जाएगा, तो आप लोगों को उसी तरीके से जो है कैमरा को एक्सेस करना है और कैमरा में अच्छी तरीके से जो है आप लोगों को फोटो खींचना है। ब्लर्ड इमेज होना नहीं चाहिए, क्लियर इमेज होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को सही तरीके से लाइटिंग वगैरह देकर इमेज क्लिक करिएगा। उसके बाद जैसे आप कंप्लीट हो जाएगा इमेज क्लिक करना तो कंटिन्यू में आपको क्लिक करना होगा। जैसे आपका सेल्फी यहाँ पर हो जाएगा डन तो आप लोगों को कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। जैसे कंटिन्यू में क्लिक करोगे तो आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है कि आप लोगों का डिटेल्स, मतलब एड्रेस, जहाँ पर एड्रेस है वो लोकेशन आप लोगों का ट्रैक करेगा कि कहाँ पर आप रह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सिंपल से जो है लोकेट मी पे आपको क्लिक करना होगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपका लोकेशन डिटेक्ट कर लेगा। तो जैसे डिटेक्ट करें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो योर एड्रेस हैज़ बीन पिन्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे जो है कंटिन्यू ऑटोमेटिकली जो है हो जाएगा, और जैसे ही होगा नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों का एड्रेस जो भी है, आप लोग मानो कि एक जगह जो है लोकेशन यहाँ पर चूज़ कर लिया, अब उसी का जो है एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर चूज़ करना होगा, ठीक है। आप लोग अपना घर का एड्रेस आपका सब कुछ डाल दीजिएगा, नियरेस्ट लैंडमार्क डाल दीजिएगा, आपका जो भी स्ट्रीट का एड्रेस है वो डालिएगा, उसके बाद पिन कोड जो है वो आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन है आई कन्फर्म आई लिव हियर, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है डिजिटल KYC, ठीक है। डिजिटल KYC में आप लोगों को कुछ ऑप्शंस मिलेगा, जैसे कि KYC वीया आधार OTP, या फिर आप लोगों को डिजी लॉकर के थ्रू, या फिर आप लोग ऑफलाइन आधार को अपलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो भी है सबसे आसान प्रोसेस जो है वो है आप लोगों को OTP के थ्रू आधार को प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। जैसे कंटिन्यू में क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज में आप लोगों को आधार का वेबसाइट जो है देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आधार का वेबसाइट जो भी है आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन करना होगा, ठीक है। लॉगिन करते आप लोगों को जो है नेक्स्ट पेज में इस तरीके से देखने को मिलेगा कि आपका आधार कार्ड यहाँ पर डालने के लिए बोला जा रहा है। आप लोग आधार कार्ड डाल दीजिएगा और नीचे जो है एक कैप्चा जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो कैप्चा जो भी है वो कैप्चा को आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। जैसे डालोगे सेंड OTP करोगे तो जो भी आधार कार्ड का नंबर आपने डाला होगा उसमें जो भी नंबर रजिस्टर्ड है उसमें एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। जैसे ही लॉगिन में क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि कंप्लीट योर वीडियो KYC। अब जो है एक वीडियो KYC होने वाला है जो कि 3 से 5 मिनट का समय लगेगा। यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपका जो भी ओरिजिनल पैन कार्ड है वो आपके सामने रखिए, और बाकी जो है आप लोग जहाँ पर भी हो अच्छा खासा लाइटिंग होना चाहिए, ठीक है, गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। जो भी वीडियो KYC प्रोसेस होने वाला है वो 3 से 5 मिनट का समय लगने वाला है, और यू विल बी आस्क फॉर सिक्योरिटी क्वेश्चन ड्यूरिंग कॉल। तो आप लोगों के साथ जो भी है बातें करेगा उसमें कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा, तो आप लोगों को जो भी पूछेगा वो आप लोग सही तरीके से डाल दीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर प्रोसीड KYC करोगे तो आप लोगों के पास जो है KYC वीडियो KYC का जो है यहाँ पर कॉल वगैरह आ जाएगा। जैसे ही कॉल आएगा आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो कंप्लीट KYC हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक मैसेज मिल जाएगा जैसे ही कंप्लीट कर लोगे। तो नेक्स्ट में जैसे ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन में चला गया है। अब थोड़ा देर टाइम लगेगा, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है एक्सेप्टेंस होने का। जैसे एक्सेप्टेंस होगा आप लोगों को जो है EMI सेट करना पड़ेगा, ई मैंडेट जो है ये सेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोगों को इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ई मैंडेट सेट करने का, जिसको क्लिक करिएगा। ई साइन जो है आप लोगों को वहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, नेट बैंकिंग का और आपको इंटरनेट जो भी है डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोग डेबिट कार्ड के थ्रू आप लोगों का जो कार्ड का नंबर है वो डालिएगा, उसके बाद जो है CVV पिन डालिएगा, उसके बाद जो है आप लोग अपना डेट जो भी एक्सपायरी डेट है वो डाल दीजिएगा, तो वो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जैसे साइन इन में क्लिक करोगे वहाँ पर आप लोगों का एप्लीकेशन जो है वेरिफिकेशन में चला जाएगा, जो कि लास्ट प्रोसेस है। जैसे वेरिफिकेशन में जाएगा वो आप लोगों को 1 से 2 घंटे के बीच में आपके अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो भी लोन एप्लीकेशन है आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकता है इमरजेंसी पर्पस में, अगर आप लोगों को बड़ा अमाउंट चाहिए तो ये अमाउंट आप लोगों को जो है ये लोन एप्लीकेशन आप लोगों को बड़ा अमाउंट देने में जो है मदद करेगा, आप लोगों को देगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो है एक भाई का एप्लीकेशन जो है अप्रूवल करवा कर दिए हैं, तो आप लोगों को क्यों नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को बता देता हूँ ये लोन एप्लीकेशन कौन सा है, आप लोगों को जो है प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। अब ये लोन एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर अगर देखोगे तो इसका नाम आप लोग देख सकते हो, इसका नाम है इनक्रेड फाइनेंशियल लोन एप्लीकेशन, ठीक है, फाइनेंस लोन एप्लीकेशन। इसके थ्रू अगर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इससे लोन मिलेगा। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ जो भी प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को जो है आसानी से लोन मिल जाएगा। तो सब कुछ जो है प्रोसेस बाय प्रोसेस अगर आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को लोन मिलेगा। अगर आप लोग एक भी स्टेप्स को गलत तरीके से अप्लाई करते हो या फिर मिस करते हो तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा, अगर देख लिया तो आप लोगों को
सही तरीके से सब कुछ पता चल जाएगा और आप लोगों को लोन भी मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।